वेलकम टू माय डिक्सी किचन। आज मैं आपके लिए लौकी के कोफ्ते लेकर आई हूँ, जो कि काफी सॉफ्ट और खाने में स्वादिष्ट है। बहुत से लोगों को लौकी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये लौकी के कोफ्ते खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी आएगा। तो प्लीज ये देखकर बनाइए और बताइए कि आपको कैसे इन स्वादिष्ट और टेस्टी सॉफ्ट लौकी के कोफ्तों को बनाने के लिए हम निम्न चीजों को ले लेंगे। सबसे पहले हम एक लौकी को कद्दूकस करके बॉईल कर लेंगे। फिर हम आधी कटोरी बेसन लेंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे, 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन और थोड़ा सा अदरक, इन सब चीजों का पेस्ट बना लेंगे हम। दो बार प्याजों को हम बारीक काट लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, चॉप किया हुआ अदरक, एक चुटकी हींग, भुना हुआ जीरा और स्वादानुसार नमक ले लेंगे। अब हम इन टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको अलग बाउल में निकाल कर रख देंगे। अब हम लौकी लेंगे, लौकी को अच्छे से दबा दबा के निचोड़ेंगे और इसका पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए लौकी से पानी निकल रहा है, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में यूज करने के लिए रख देंगे। अब हम इस लौकी में लौकी के हिसाब से बेसन मिलाएंगे। इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, चॉप किया हुआ अदरक और एक चम्मच घी मिला लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इनकी बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा हाथों में घी लगाकर हम इस तरीके से मैं बॉल बना लेंगे। ये हमारी बॉल तैयार है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। तेल गर्म होने पर हम इनको एक एक करके बॉलों को डाल देंगे। बॉलों को हमें तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ी देर बाद जब इनके बॉल पक जाएं तब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए हल्की हल्की ये नीचे से पक गई हैं। अब हम इनको पलटेंगे और पलट पलट के धीमी आंच में बराबर सेकेंगे, जब तक ये हमारे सुनहरे रंग में ना आ जाए। ये देखिए बॉल्स हमारी सुनहरी कितने अच्छी कलर में आ गई हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं। अब हम पैन में ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल लेंगे, उसमें एक चुटकी हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और प्याज डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का
सुनहरा प्याज हो जाने पर हम इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे एक चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, मिलाकर इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च मिलाएंगे और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाकर अच्छे से चला लेंगे। जब ये मसाला हमारा भुन जाए तब हम इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे। और हल्का सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमको बराबर चलाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से भून लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है और ये पैन में जब चूरन लगा है और ऑयल भी छोड़ गया है। ये मसाला भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने पहले से बना रखा था और बराबर इसको हम चलाते रहेंगे। कम से कम 10-15 मिनट बाद तक चलाते रहेंगे और 10-15 मिनट के बाद हमारा ये इस तरीके से मैं आ जाएगा। अब हम इसमें बचा हुआ जो पानी हमने अलग निकाल कर रखा था वो मिलाएंगे और इसको हम बराबर चलाएंगे जिससे कि मसाले की गोलियां ना बने। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे और अब इन मसालों को हम चला लेंगे। गरम मसाला हमने पहले ही डाल दिया था, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकती हैं। अब हम इसको चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम पकने देंगे। 5-10 मिनट बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। और इस तरह से चलाकर कोफ्तों में ग्रेवी मिला लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। 10-15 मिनट बाद धीमी आंच करके रख देंगे। 10-15 मिनट बाद हम देखेंगे ये हमारी ग्रेवी पक गई है और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। हमारी लौकी के कोफ्ते देखिए तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे और सर्व करने के लिए हम तैयार हैं। ये लीजिए आप गरम गरम सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते फुलकों के साथ में खाकर आप प्लीज़ बताइए ये कैसे बने हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।